लाइसेंस की प्रक्रिया में ये सब नहीं है कि हमको लाइसेंस मिल जाए चलने का, जो मानक है लाइसेंस का उसके अंतर्गत आवे। ये लोग सिर्फ है कि अवैध चले, अवैध कारोबार, जैसे चोर नहीं होता, चोर कहता है कि हमको लाइसेंस दे दीजिए चोरी करने का। तो ऐसा भारत के संविधान में नहीं है कि चोर को भी लाइसेंस दे दिया जाए चोरी करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम वन विभाग के मिनी कार्यालय मोतीपुर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से दिखाना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई 400 लोगों पर, और 400 लोगों पर लगातार जो है यह घोषित कर दिया गया कि यह लोग अवैध पीलिंग प्रेस और आरा मिल चला रहे हैं। कुछ लोग तो अपने मशीनों को खोलकर घर में भी रख लिए और कुछ लोग प्यार से जो है अपनी मशीनों को सील भी मरवा दिए, और कुछ लोगों की कंपनी से आज भी धुआं निकल रही है और पूरे दावे के साथ निकल रही है कि हमारी कंपनी वैध है। अब यहाँ देखिए, ये जो है वन विभाग का कार्यालय है और महज इससे 50 मीटर दूरी पर सामने जो है प्लाईबोर्ड मिल है, वह अभी चल रहा है। और 50 मीटर दूरी पर ये जो प्लाईबोर्ड कंपनी चल रहा है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं बल्कि जिला के आरसीसीएफ और डीएफओ खुद कर रहे हैं, जो हमारे कैमरे पर दर्शकों को दिखाया जाएगा। फिलहाल जो मोतीपुर में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं इस समय, वह सभी लोग अवैध हैं, और जो लोग अपने आप को वैध कर रहा है उनके पास कोई पेपर नहीं है। ऊपर से विभागीय पूरा आदेश से आ कि आपको जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप कंपनी नहीं चला सकते, इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है ले दे के चला रहे हैं। और ले दे के जो चला रहे हैं, इस बात की हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है फ़ोन करके और किसी किसी को बता रहे हैं कि जब वन पदाधिकारी हमारे यहाँ आए, हमारे फील्ड में आए हैं, तो कुछ लोगों से पैसा ले रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं दे रहे। उसका सवाल खड़ा ये होता है कि जब किसी की कंपनी का लाइसेंस है ही नहीं, तो जो प्रेजेंट टाइम में प्लाईबोर्ड कंपनियाँ चल रही हैं वह किसके इशारे पर चल रही हैं। हालाँकि इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही है, कि लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वन विभाग के पदाधिकारी एक मोटी रकम लिए हुए हैं, जिसके कारण ये 15-20 जो प्लाईबोर्ड कंपनियां चल रही हैं और इनके ही इन्हीं के सहयोग से चल रही है, तो फिर हम लोग भी चलाएंगे। जब ये लोग कानून मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्यों कानून मानेंगे। वर्तमान समय में जो अभी अवैध पिलिंग और आरा और प्लाईबोर्ड मिलों को लेकर काफ़ी सारी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं और बहुत सारे वाद विवाद जो है मुजफ्फरपुर न्यायालय में चल रहा है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर वन विभाग के कार्यालय में हम आरसीएफ और डीएफओ साहब के सामने उपस्थित हैं और बहुत सारे सवाल जो है लोग जानना चाहता है, जो मीडिया के माध्यम से जानना चाहता है, जिसको लोगों ने काफ़ी विरोध किया, क्या बंद मत कीजिए। तो फिर इसमें डीएम और एसपी को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, कहा कि भाई ये कोर्ट का आदेश है, अनुपालन करना है इसको। उस आदेश के अनुपालन के लिए डीएम और एसपी ने एक कमेटी बुला करके जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको बुलाया, कुछ आरा मिल विनियर्स मिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए थे, जाकर के उन लोगों ने एक रास्ता निकाला गया कि भाई देखिए आप हमारे मशीनों को बंद करने का तरीका बदलिए, आप सील बंद कीजिएगा तो हम लोग बंद कर लेंगे, हम लोग नहीं चलाएंगे इसको। मशीनें सील बंद कर दी गई, डीएमएसपी ने कहा कि ठीक है सील बंद ही कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी इसका रिव्यू हुआ, उसमें भी बातें आ गई कि हम लोगों ने सील बंद कर दिया। सर, कितना मिल था पहले जब आप लोगों ने लिस्टिंग किया, तो कितने अवैध मिल या वैध मिल पाए गए? ये उस समय टोटल 358 आई थिंक 358 के आसपास था, वो लगभग 358 था, और उसमें सब थे, विनियर भी थे, प्लाई भी थे। और सील कितने मशीनों को किया गया? सील टोटल को किया गया, लेकिन अब वही कह रहे हैं ना कि फिर उसके बाद मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। मॉनिटरिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिला हम लोगों को, एसपी को अलग इंस्ट्रक्शन मिला एसपी साहब को, कि आप जो हैं अपनी टीम बना करके वहाँ भेजिए कि फिर से मशीनें संचालित नहीं हो। हमारी भी टीम बनाई गई, हमारी भी टीम जाकर देख रही है उसको, लेकिन बीच बीच में शिकायत मिल रही है हम लोगों को कि कुछ लोग रात में जो हैं उसको चला दे रहे हैं। नहीं सर, कुछ लोग रात में नहीं बल्कि दिन में चला रहे हैं, ये अभी जानकारी हमको नहीं मिली है। अगर दिन में चला रहे हैं तो फिर दोबारा कार्रवाई करेंगे। तो अब खुले आसमान में सारे मशीनें चल रही हैं और लोगों का यह कहना है कि हमारे पास परमिशन है चलाने।
नहीं, परमिशन तो किसी को नहीं है, अभी आज की डेट में परमिशन नहीं है। और रही बात जहाँ तक मशीनों को चलाने की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये वो जैसे क्या कहते हैं, कानून को धत्ता दिखा करके जबरदस्ती चला रहे हैं वो लोग। जब कोर्ट कह रहा है कि आप तब तक बंद रखिए जब तक कि मामला मेरे पास लंबित है, तो उनको बंद रखना चाहिए, लेकिन अब वो चला ले रहे हैं। और फिर अगर दूसरी कार्रवाई हम करेंगे उस पर, तो फिर वही कार्रवाई होगी कि उखाड़ना पड़ेगा फिर मशीनों को, और उखाड़ेंगे तो जो नतीजा है कि हम लोग के खिलाफ काफ़ी केस किया, हम लोगों ने केस किया है कि आप मशीनों को इस तरह से क्यों उखाड़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि अगर मशीनों को नहीं उखाड़ा जाएगा तो मशीन नहीं बंद होगा, हम सील करके आएंगे, वो लोग वही करेंगे, हम सील करेंगे फिर तोड़ के चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन सर सवाल ये बनता है कि जो लोग वैध होने का दावा ठोक रहे हैं कि हम वैध हैं, वो कैसे वैध हैं? वैध वो कह रहे हैं, लेकिन कौन सा पेपर उनके पास है जिसके आधार पर वो वैध कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि पंसलवा मंडी में जो अभी भी प्लाईबोर्ड या पिलिंग जो भी चल रहा है वो सब अवैध है? अभी जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, तो हमारे कानून के हिसाब से, हमारा जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से अवैध है। और अगर वो चल रही है वैध कहकर अभी प्रेजेंट टाइम में, चल रही तो गलत चला रहे हैं वो, फिर उस पर कार्रवाई होगी, दोबारा कार्रवाई हो। चल रही है, कुछ लोगों से हमारी संपर्क हुई और ऐसे स्थिति में वो लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों को 30/10/2002 के पहले की सूची में हमारा नाम है और हमें अनुमति प्रदान है कि वन विभाग से कि हम मिल को चला सकते हैं, किंतु आरसीसीएफ कह रहे हैं कि अभी हमारे द्वारा किसी को भी कोई अनुमति नहीं दिया गया और ना ही विभागीय कोई अनुमति दिया गया है कि आप कंपनी चलाएंगे, और यदि कोई कंपनी चला रहा है तो वो भी अवैध है और उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों पर पूर्व कार्रवाई हो चुकी है, अगर वह लोग भी अगर चला रहे हैं तो अब न्यायालय का अवहेलना माना जाएगा और उन पर इससे भी अधिक कठोरतम कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हम दर्शकों से कहेंगे कि आप आरसीसीएफ के पूरी बयान को सुनिए और उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट है उस शख्स के पास जो इनका नाम है राम इकबाल राय। महज कुछ दिनों में इनके नाम इतने चर्चा में आ गए और चर्चा में ऐसा आया कि एक पत्र इनका जो है इन्हें चर्चा में ला दिया। इनके एक पत्र से जो है मुख्यालय से लेकर जिला के मुजफ्फरपुर कार्यालय तक में खलबली मच गई और मामला यह था कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन्होंने दिल्ली एनजीटी में एक पत्र लिखा था। कुछ जबरदस्ती कहता कि वैध है तो कोई कागज दिखावे कोई। आपने जो पत्र लिखा वो केवल कमजोर के लिए लिखा है? नहीं कमजोर के लिए, मजबूत के, हमने तो पत्र लिखा। फिर इनका चल क्यों रहा आपके, फिर आपके कलम से सियाही खत्म हो गई, चला रहा है? तो इसमें हम सरकार आग्रह करेंगे जैसे कि इन लोगों का जाके बंद करा दें। हाँ, इन लोगों को एक मजिस्ट्रेट के देखरेख में सील किया जाए, माने इन लोगों का चले नहीं तो चलेगा तो प्रदूषण होगा ही। बिल्कुल जी। हाँ। तो इसीलिए तो हम लोग लिखा पड़ी किए कि बंद होगा। हाँ। लेकिन लोग जबरदस्ती चला रहा है और ये लोग फेसबुक पर भी डालता है कोई ढंग के नेता। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आरजेडी के नेता हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम जेडीयू के नेता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के संबंधी हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि इसे फलना विधायक के हम जोड़े हैं, कुछ फेसबुक पर फलना विधायक जोड़े डालते हैं, यूनियन का हम अध्यक्ष हो गए हुए हैं, कोई कुछ बोल के और इन लोगों को गुमराह करता है मिल वाले को। और कोई लाइसेंस की प्रक्रिया में ये सब नहीं है कि हमको लाइसेंस मिल जाए चलने का, जो मानक है लाइसेंस का उसके अंतर्गत आवे। ये लोग सिर्फ है कि अवैध चले, अवैध कारोबार, जैसे चोर नहीं होता, चोर कहता है कि हमको लाइसेंस दे दीजिए चोरी करने का। तो ऐसा भारत के संविधान में नहीं है कि चोर को भी लाइसेंस दे दिया जाए चोरी करने का। इन लोगों को लाइसेंस चाहिए चोरी से मिल चाहे, कोई तो चोरे ना हुआ, हीरा चुरावे चाहे खीरा चुरावे, मतलब ये लोग को चोरी करने का लाइसेंस की चोरी से मिल चलावे। तो आरसीसीएफ पर डीएफओ को चोर, इसमें कुछ नेता है कि हम फलना पार्टी के नेता है, हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मंत्री को देना है, विधायक को देना है, फलना को देना है, समझ गए? नहीं, भिन्न भिन्न जगह पर हमको पैसा देना है। सुनते हैं कि एकदा 50 लाख वसूल लिया, एकदा 20 लाख वसूल लिया, ये लोग ये करता है, खाता कमाता है, कहता है कि चलाओ। ये बात है तो। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो चोरों को पकड़ने के लिए मान लीजिए कि डीएफओ कार्यालय वन विभाग है, वो भी कहाँ पकड़ रहा है? तो नहीं पकड़ रहा तो पकड़ेंगे, अब हम तो आग्रह करेंगे ना, चाहे कर रहे हैं कि ये फिर चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसी ऐसी बात है, फलना फलना चला रहे हैं, अब हम नाम धके अभी नहीं लिखते हैं, लिखेंगे तो माने लोग जाएगा पकड़ेगा, न पकड़ेगा तो उसका है ना कि हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, माने जनता तक अथी सरकार तक इस बात को पहुँचावेंगे। यानी अब विवश होकर आप धरना प्रदर्शन पर भी उतरेंगे? विवश होकर करेंगे, जनता में जाएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, जनता हम लोगों के लिए कह रही है कि हाँ हाँ आपके साथे हैं,
तो आपने देखा कि ये राम इकबाल जी हैं और इन्होंने ये कहा है कि आरसीसीएफ के बयान के बाद आकि जनता लाइसेंस की प्रक्रिया में नहीं जा रही है, बल्कि उसको ये बेरोजगारी कहकर अपने आप को चोरी करने का परमिशन वो मांग रही है कि हमको कोई टैक्स देना नहीं पड़े। हालांकि एक तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इनकी भी बात सही है, और चूंकि लाइसेंस मिल जाए तो शायद सभी लोगों का कल्याण होगा। और कमेंट के पश्चात जो है एक लाइक और खबर को शेयर जरूर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।